रन बहुत छोटी बैटल है, ये वही बैटल है जो कि कितने मार्क्स में आएगी, 5 मार्क्स। अब आपको बताया 5 मार्क का सवाल आता नहीं है, तो दो सवाल कोई भी मिलाकर कितने मार्क का आ जाएगा, 10 मार्क का सवाल आ जाएगा। अब हमारे पास है कॉसेस। कॉसेस के अंदर आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे कि हमारे पास ये बैटल क्यों है, आप ये बताओगे कि हमारे पास, आपको ये बात पता है कि लाइफ इन मदीना के अंदर आपने ये बात पढ़ी थी कि प्रॉफिट प्रीच करने गए थे, कहां पर प्रीच करने गए थे, प्रॉफिट प्रीच करने गए थे ताइफ, और किसके साथ गए थे, हजरत ज़ैद बिन हारिस के साथ गए थे, और वहां पे 3 लीडर थे, अबू यलील, मसूद एंड हबीब। उन तीनों ने बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स दिया था और प्रॉफिट को प्रोसिक्यूट भी करवाने के लिए हुलिकेंस बदमाश रख लिए थे। अब आपको ये बात पता है कि ये चीज हुई थी, ताइफ के लोग हमारा सक्सेस नहीं देख सकते। 8 AH के बाद आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का ताइफ के लोग एक अपॉर्चुनिटी देख रहे थे टू अटैक प्रॉफिट। वो देख रहे थे कि हम किसी तरीके से मुसलमानों को खत्म कर दें, किसी तरीके से मुसलमानों को खत्म कर दें, बिकॉज दे कांट सी मुस्लिम्स प्रॉस्परिंग, वो प्रॉफिट की सक्सेस को नहीं देख सकते, एंड दे वर प्लानिंग टू अटैक। इसलिए हमने बैटल ऑफ हुनैन लड़ी, क्योंकि प्रॉफिट ने ये बात सोची कि ये लोग हमारे ऊपर अटैक करें इससे पहले हम इनके ऊपर अटैक कर दें। तो कॉजेस क्या है कि ताइफ के लोग हमसे जेलस होते थे, ताइफ के लोग जो है वो प्लान कर रहे थे टू अटैक प्रॉफिट, टू अटैक मदीना। इसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें फौरन इनके ऊपर वो करना चाहिए। 8 AH आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का ताइफ के लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे थे टू अटैक प्रॉफिट, ताइफ के जो थे वो प्रॉफिट की सक्सेस को नहीं देख सकते थे, क्या नहीं देख सकते थे, सक्सेस ऑफ प्रॉफिट नहीं देख सकते थे, दैट्स व्हाई दे वर प्लानिंग टू अटैक। और प्रॉफिट को जब ये बात पता चलती है तो प्रॉफिट उनके ऊपर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। तो इसलिए बैटल ऑफ हुनैन हमने लड़ी। आप ये बताओगे ताइफ की आर्मी जो है वो 20,000 लोग आ रहे थे, कितने लोगों का आ रहे थे, 20,000 लोग अंडर मलिक बिन औफ। मलिक बिन औफ क्या है, इनका लीडर है। 20,000 लोग आ रहे हैं, 20,000 लोग आ रहे हैं, और उसके साथ वो अपनी फैमिली, अपने पोजेशन, हर चीज ला रहे हैं। सर ये क्यों ला रहे थे, ये इसलिए ला रहे थे, इनकी ये सोच थी कि अगर हम अपनी हर चीज लेकर जाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमें एक अच्छी वो मिलेगी, फीलिंग मिलेगी, हम लोग अच्छी तरीके से लड़ेंगे और क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ताइफ की आर्मी आ रही थी 20,000 लोगों की अंडर मलिक बिन औफ, अपनी फैमिली पोजेशन साथ लेकर आ रहे थे, एंड दे गैदर्ड इन द वैली ऑफ हुनैन। कहां पर गैदर्ड हुए, इन द वैली ऑफ हुनैन, सही है। और आपको ये बात पता है ताइफ भी एक वैली थी, सही है, ताइफ भी एक वैली थी, क्योंकि आपने लाइफ इन मक्का में पढ़ा था कि जब ताइफ के अंदर प्रॉफिट पे जुल्म हुआ था तो एंजल ऑफ माउंटेन आया था और उन्होंने कहा था कि अगर अभी हुक्म दे तो मैं 2 माउंटेन इनके ऊपर गिरा दूंगा। तो दे गैदर्ड इन द वैली ऑफ हुनैन, सही है। तो ताइफ की अब आर्मी जो है वो आपके पास क्या आई, अंडर मलिक बिन औफ 20,000 की आर्मी जमा हुई, दे ब्रिंग देयर फैमिलीज पोजेशंस टू फाइट एंड दे गैदर्ड इन द वैली ऑफ हुनैन। अब जैसे ही हम लोग वहां पर जाते हैं तो वहां पर हमारी टोटल आर्मी होती है 12,000। 12,000 में से हमारे पास 10,000 लोग हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का वाले, COM का मतलब है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, और 2,000 लोग कौन है, न्यू कन्वर्ट्स। NC का मतलब क्या है, न्यू कन्वर्ट, सही है। तो अब हमारे पास 12,000 की आर्मी है, सामने है 20,000 की आर्मी। आप ये बताओगे जैसे ही मुसलमान वहां पर पहुंचते हैं तो जो आर्चर्स ऑफ ताइफ होते हैं वो हमारे ऊपर अटैक करना शुरू हो जाते हैं, क्या अटैक करना शुरू हो जाते हैं, आर्चर्स ऑफ ताइफ, वो फौरन हमारे ऊपर अटैक करना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये बात बताओगे कि आर्चर्स जो हमारे पास तीर अंदाज होते हैं वो हमारे ऊपर अटैक करना शुरू हुए, जैसे ही अटैक करना शुरू हुए तो हमारी आर्मी भागना शुरू हो जाती है, हमारी आर्मी रिट्रीट करना शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ सीनियर कंपेनियंस और प्रॉफिट बहुत अच्छे तरीके से लड़ते हैं, प्रॉफिट अपने एनिमल से उतरते हैं, उनकी आंखों पे सैंड फेंकते हैं और कहते हैं मे योर फेसेस बी शेमफुल, एंड अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं कि प्लीज सेंड डाउन योर हेल्प, क्योंकि हमारी आर्मी तो भाग गई थी। जब हमारी आर्मी भाग गई थी तो प्रॉफिट बहुत अच्छे तरीके से लड़ते हैं और देन मुसलमान वापसी आ जाते हैं बैटल फील्ड के अंदर। मुसलमान जैसे ही वापसी, क्योंकि प्रॉफिट बहुत अच्छे लड़ रहे थे, तो प्रॉफिट जैसे ही अच्छा लड़ना शुरू होते हैं तो सारे मुसलमान जो है वो बैटल फील्ड में वापसी आ गए। जैसे ही बैटल फील्ड में वापसी आए तो मुसलमान जीतना शुरू हो गए। जैसे ही मुसलमान जीतना शुरू हुए तो जितने भी आपके लीडर्स ऑफ ताइफ थे वो सारे के सारे कहां पर जाके छुप गए, वो सारे छुप गए फोर्ट्रेसेस ऑफ ताइफ, जो फोर्ट्रेसेस थे, जो किले थे ताइफ के, उधर जाकर छुप गए, क्योंकि वो डर गए। उन्होंने कहा कि ये तो भाई बहुत खतरनाक लोग हैं, तो वो लोग जब डर गए तो वो ताइफ के अंदर जाके छुप गए। अब क्या हुआ, आपको ये बात बताया कि जब वो हुनैन में लड़ने आए थे तो अपनी सारी चीजें साथ लेकर आए। अब जब ये लोग ताइफ में जाके, फोर्ट्रेसेस ऑफ ताइफ में जाके छुपते हैं ना, तो वो सारी चीजें पीछे भूल जाते हैं, तो मुसलमानों को स्पॉइल्स ऑफ वॉर फौरन मिल जाती है। और प्रॉफिट क्या बोलते हैं कि सारी स्पॉइल्स ऑफ वॉर कलेक्ट करके कहाँ रखते हो, जर्राना। जर्राना एक जगह का नाम है, किसका नाम है,
जर्राना एक जगह का नाम है, और प्रॉफिट को ये कहा जाता है कि स्पॉइल्स ऑफ वॉर आप सारी कलेक्ट करो और जर्राना एक जगह उधर रख कर आओ, हम लोग ताइफ के लोगों का सीज लगाएंगे, जिस किले में जाके लोग छुपे उस किले का हम लोग क्या लगाएंगे, सीज लगाएंगे। तो प्रॉफिट क्या करते हैं, सारी स्पॉइल्स को छुपा देते हैं जर्राना के अंदर और वहां पे गार्ड्स रख देते हैं, और ये लोग चले जाते हैं सीज लगाने। ये लोग ताइफ पे सीज लगा देते हैं, एंड ड्यूरिंग दिस सीज 12 मुस्लिम्स वर मार्टिर्ड, इनके अंदर से अटैक हो रहा था एंड 3 एनिमीज वर किल्ड। ये सीज 40 दिन तक चलता है, लेकिन इस पे क्या होता है कि फिर प्रॉफिट ये सीज खत्म कर देते हैं। क्यों खत्म कर देते हैं, क्योंकि इसका मकसद जो था, मकसद हमारा ये था कि हम ताइफ को ऐसा धचका दें कि वो हमारे ऊपर कभी अटैक करने का ना सोचे, और वो धचका हम दे चुके थे क्योंकि वो अपनी स्पॉइल्स ऑफ वॉर, इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी तो सारी चीजें हमारे पास आ गई। आउटकम्स के अंदर आप क्या बताओगे, प्रॉफिट को बूटी जो स्पॉइल्स ऑफ वॉर थे वो कितने मिले, 24,000 कैमल्स। कितने कैमल्स मिले, 24,000 कैमल्स, 40,000 गोट्स एंड 4,000 ऑकिया ऑफ सिल्वर। ऑकिया क्या होता है बेटा, ऑकिया तोले की जगह एक यूनिट होता है, ये थोड़ा सा छोटा होता है, सही है। तो ये हमारे पास सिल्वर आया, और प्रॉफिट के पास 6,000 कैप्टिव आए। कितने कैप्टिव आए, 20,000 में से 6,000 चिल्ड्रन एंड वुमेन थे, तो 6,000 कैप्टिव आए। अब क्या होता है कि ताइफ के लोग आते हैं प्रॉफिट के पास आते हैं और कहते हैं प्लीज आप हमारे जो चिल्ड्रन एंड वुमेन है ये आप हमें वापसी कर दें और हमें माफ कर दें। तो प्रॉफिट माफ कर देते हैं, और जब प्रॉफिट माफ कर देते हैं तो मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्टेड इस्लाम। आप क्या बताओगे, ताइफ के लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वुमेन एंड चिल्ड्रन को वापसी कर दें, प्रॉफिट फ्री कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि सब के सब लोग इस्लाम क्या कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। तो ये आपके पास बैटल ऑफ क्या थी, हुनैन थी, और हम इसको सीज ऑफ ताइफ भी कहते हैं, सही है।